हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एमजी गेमिंग। सो गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा अलग होने वाला है क्योंकि आज अपने खेल रहे हैं रैंक मैच और फटाफट से उतर जाते हैं फैक्ट्री पे क्योंकि बंदे बहुत ज्यादा आ रहे हैं। और भाई सब ये मैच को भुया ले पाएंगे अपने या फिर नहीं, मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। अपने उतरते हैं पहले तो, और स्किप नहीं करना वीडियो को। और बंदे आ चुके हैं तो मैं थोड़ा बहुत इनको मारने का प्रबंध करता हूँ। इसको भाई साहब एक को मारा और अपनी बाउंड्री एक्टिवेट हो चुकी है, दूसरे को भी मारा भाई साहब, दोनों को मार के अपने हाथ में लग चुके हैं प्लाज्मा। भाई साहब अपने पहले हीलिंग करते हैं, कभी ऐसा ना हो हम नीचे की ओर मुंडी दिखाएं हमें मार दिया जाए। भाई साहब एक बंदे को मारा, मेरे को लग रहा है वो पहले से बहुत ज़्यादा डैमेज था, और दूसरा बंदा भाई साहब मेरे को लग रहा है सेव जो है चला गया है कवर के अंदर। तो भाई साहब बाहर तो निकलेगा क्योंकि उसको भी बाहर निकलना होगा क्योंकि वो भी यहाँ पर बैठ नहीं सकता कुछ समय के लिए। मतलब हम तो ऊपर की ओर हैं, तो भाई साहब जैसे मुंडी दिखाएगा वो मतलब मारा जाएगा उसी समय। तो देखते हैं कब तक निकलेगा वो। निकलेगा भाई साहब, तुम रुको यार, मतलब अब बंदा आ रहा है, देखो जंप की उसने खत्म। बंदा सोच रहा कि मैं धीरे से मतलब निकल जाऊंगा यहाँ से पतली गली से, पर अपनों ने पतली गली को ही जाम कर दिया और उसको मार गिराया। और नीचे की ओर मेरे को टंकी के नीचे साउंड आ रही है और एक बंदा अपने सामने भी नीचे गया है, तो फैक्ट्री के अंदर भी नीचे अभी बंदे हो सकते हैं। मेरे को लग रहा है 2 से 3 बंदे हो सकते हैं। तो टंकी के नीचे तो वैसे एक बंदा है तो उसको भी मारना होगा। तो अपने को क्या करते हैं यार, थोड़ा बहुत वेट करते हैं कि वो खुद निकल जाए, अपने उसको ऊपर से ही हेडशॉट दे दें। मेरे को लग रहा है हेडशॉट तो लगने नहीं वाला अभी तक क्योंकि लगा भी एक भी नहीं है। और नीचे से मेरे को आई है फायरिंग की साउंड, यानी कि बंदे फैक्ट्री के नीचे अभी भी हैं, उनके हाथ में गन है, सब कुछ है, मतलब लूट उन्होंने पूरी कर लिया। तो अपने को अब करना ही होगा यार, मतलब उसको मारना होगा टंकी वाले बंदे को। जंप करते हैं फटाफट से, अपनी जंप तो हुई पर अपनी हेल्थ है ना बहुत ज़्यादा ख़त्म हो चुकी है। तो अपने पहले हीलिंग करते हैं, उसके बाद भाई साहब उसको मारने चलेंगे, कभी ऐसा ना हो अपने उसके पास जाएं। उसको मैंने डैमेज दिया, मतलब उसे 50 के लगभग डैमेज हो चुका है। तो मैं अपने आप को पहले हीलिंग करता हूँ, उसके नज़दीक जाने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो अपने को मार देगा। और भाई साहब हीलिंग के नाम पे वैसे अपने पास कुछ है नहीं। गाइस वो इधर से उधर जा रही है, मतलब कवर के अंदर ही घूम रही है। मेरा हो रहा दिमाग गरम, तो उसको मेरे को लग रहा अब नज़दीक जाके ही मारना होगा। और मार के भाई साहब यहाँ से फैक्ट्री से निकल जाते हैं। और मेरे को लग रहा है जो फैक्ट्री के नीचे बंदे थे ना वो भी यहाँ से अब निकल चुके हैं, और मेरे पास हीलिंग भी नहीं है। मेरे को फैक्ट्री को लूटना है यार, मतलब तुम मरोगे तभी मैं फैक्ट्री लूटूंगा ना। तो मेरे को लग रहा बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, अपनों ने मतलब बहुत ज़्यादा इसको छोड़ दिया यार, बहुत ज़्यादा देर। तो अब इसकी पेटी बनाते हैं, मतलब मीटअप मूटअप हो गया यार, सब कुछ हो गया, ठीक है। मैं मतलब परेशान हो चुका हूँ, अब मीटअप मेरे को नहीं करना क्योंकि मैंने एक दो बार किया भी है। बंदों ने भाई साहब ऐसा मारा है ना, ऐसा बुरी तरह से मारा है, लॉबी के अंदर जाने के बाद भी ना मैं सोच रहा हूँ यार, मतलब मैं क्यों खेला यार वो गेम। कोई बात नहीं, मैं इसको भी वैसे ही फिनिश करूँगा यार, मतलब इसको तो हेडशॉट आखिर मैंने मार ही दिया यार, मतलब मार दिया। तो लाइक करो यार चैनल को, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट करो। अपने कहीं और चलते हैं बंदों को मारने के लिए। फैक्ट्री को लूट के मैं सीधा पीक की ओर आ जाता हूँ, और इस घर के अंदर मैं थोड़ी बहुत लूट करने का प्रबंध करता हूँ क्योंकि मेरे पास थॉम्सन और AK है, और मेरे पास मेडिकिट के नाम पे सिर्फ 2 मेडिकिट है। तो मेरे को यहाँ पे अगर इस घर से थोड़ी बहुत लूट मिल जाए तो बहुत अच्छी खासी बात है। तो मैं यहाँ पे ढूंढता हूँ, और मेरे को यहाँ पे मिल चुकी है MAG-7। तो अपने क्या करते हैं थॉम्सन के साथ इसको चेंज कर देते हैं। और भाई साहब ये क्या खुल गया, बैग को खोलना था, और अपने बैग के अंदर जो भी फालतू का कचरा है ना उसे बाहर निकालते हैं और यहाँ पे MAG-7 को चेंज कर देते हैं थॉम्सन के साथ फटाफट से। और उसके बाद अपने बंदे ढूंढते हैं क्योंकि जोन जो अब कट ही जाएगा। भाई साहब मेरे से फायर हो गया गलती से, और चलो देखते हैं कोई अपने को बंदा भी दिख जाए यार यहाँ पे। तो अपने वैसे भाई साहब बैग पूरा फुल हो चुका है, तो और मेरे को क्या दिखा भाई साहब, बंदा कहाँ जा रहे हो यार, मतलब कोई बात नहीं, मैंने इसको डैमेज किया बहुत ज़्यादा, मतलब हो नहीं पाया और कम ही हुआ है डैमेज। तो भाई साहब एक बार रुको, इसको मारेंगे बहुत बुरे वाला मारेंगे, रुको यार, मतलब ओपन में ब्लू वॉल से साइड से बाहर आया पर अंदर चला गया। अब भाई साहब कहाँ भाग रहे हो, रुको यार 2 मिनट तक रुक जाओ यार, मतलब हमें मौका दो एक बार। भाई साहब मेरी हेल्थ देख रहे हो, इसके पास ऐसी कौन सी गन है जो मुझे इतना ज़्यादा डैमेज कर रही है, मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो गाइस बीच में आ चुकी थी कॉल, तो मैंने उसको पहले कट किया, और अब मैं इसका इस मैप से पट्टा कट करता हूँ। देखो अब मैं क्या करता हूँ भाई साहब, खत्म, मतलब खत्म एक बारी के अंदर। और अब इसकी जो भी लूट है ना वो अपने ले लेते हैं, और भाई साहब यहाँ से निकल लेते हैं क्योंकि जोन जो है बहुत ज़्यादा कटेगा। और भाई साहब और एक मेरे को गाड़ी की भी साउंड आई थी, वो जो गाड़ी थी वो गई है सीधा पीक पे।
और अब लास्ट जोन भी बन चुका है, तो फटाफट से अपने लोकेशन कोई अच्छी खासी ढूंढ लेते हैं, वहां पे जाके आराम से बैठेंगे, मतलब बैठेंगे तो नहीं क्योंकि बंदे जो भाई सब अब जो है बिल्कुल आर या पार का गेम खेलेंगे। देखो भाई साहब मेरे को फायरिंग की साउंड आ रही है और मेरे को लग रहा है भाई साहब बोल रहा भाई साहब सामने बंदा मेरे को देख चुका है भाई साहब, उसने ग्लोवर लगा लिया तो अब तो उसका कुछ नहीं हो सकता। और एक पीछे की ओर बंदा है मेरे, इसको ख़त्म करते हैं। और भाई साहब इसको हेडशॉट मारा पर यार किल पता नहीं मेरे को कैसे यार बॉडी शॉट का आया, कोई बात नहीं है। और अब चलते हैं अपने क्लिप नंबर 2 पे। तो गाइज अपने आ चुके हैं क्लिप नंबर 2 पे, तो भाई साहब इस बार भी अपने फैक्ट्री पे उतरे और दो बंदे आपस में लड़ाई कर रहे हैं और एक बंदा भाई साहब नीचे कर गया जंप, और कोई बात नहीं है इस बंदे को अपने मारेंगे। भाई साहब एक बंदा भी लैंड किया और अपने हाथ में ड्रैगनो लग चुकी है, तो मैं अपने आप को पहले वो थोड़ा बहुत कंफर्टेबल कर लेता हूँ क्योंकि मेरे हाथ में ड्रैगनो है, तो चेंज कर देते हैं क्योंकि इसको मारेंगे ड्रैगनो से नहीं मुक्के से मारेंगे। रुको एक बार मैं रुको पूरी लूट कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को लग रहा है अपने बाउंड्री से कुछ और निकल जाए, तो अपने पास पूरी हीलिंग लग चुकी है, अब इसको मारेंगे बुक्के से। देखो अब डैमेज हुआ भाई साहब, डैमेज हुआ और डैमेज हुआ, खत्म इजी खत्म कर दिया तो यार इसको तो बहुत ज़्यादा इजी। और एक बंदा नीचे जंप किया था टंकी के नीचे, मेरे को लग रहा है फाइट चल रही है दो बंदों की, और वो मेरे को लग रहा है एक बंदे को टपका डाला है और वो टंकी के नीचे ही है जिसने जिसको मारा है ना, अब वो टंकी के नीचे है, मेरे को लग रहा है वो निकलेगा नहीं क्योंकि उसको पता है ऊपर गन है यार, मतलब गन हाथ में लग चुके हैं। नीचे आपको फुटस्टेप आ रहे होंगे, अगर नहीं आ रहे तो भाई साहब मैं नीचे की ओर जंप करता हूँ, रुको और मैं ऊपर से एक बार चारों ओर देख लेता हूँ क्योंकि मेरे को नीचे इस साइड में बंदा दिखा था पर वो मेरे को लग रहा टंकी के नीचे नहीं मतलब फैक्ट्री के अंदर होगा। टंकी के नीचे तो एक और बंदा है और आपको दिख ही गया होगा, अभी मैं दिखाता हूँ, रुको दिख रहा होगा आपको, अगर नहीं दिखा तो रुको मैं अपने आप को पूरा हीलिंग करता हूँ उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे बंदा भाई सब सामने की ओर आपको दिख रहा होगा, तो मेरे को लग रहा वो ऑफलाइन चला गया, मतलब डर देख रहे हो, ये तो भाई साहब ऑफलाइन ही चला गया, मतलब इतना डर गया, मतलब ये सोच रहा है अब जीने का यहाँ पे कोई फायदा नहीं क्योंकि मरना तो है यार, तो ये तो चलो चला गया। और एक नीचे अभी बंदा है फैक्ट्री के अंदर, तो उसको भी मारेंगे, इसके पास हीलिंग और एमओ थी पर गन नहीं थी, तो ये एमओ का यूज़ कहाँ करता अब आपको पता है क्या करता मतलब बंदा एमओ का, तो अपने भी नीचे जंप करते हैं और देखते हैं वो नीचे वाला जो बंदा है ना वो कहाँ पर है, क्योंकि उसको ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उसको भी मारना है, और क्योंकि वो अपना वेट कर रहा होगा पूरा, अपने को मारने का प्रबंध उसने पूरा कर लिया होगा, तो उसको अपने मारते हैं या वो अपने को मारेगा, तो चलो देखते हैं। अगर मैं मार दूँ तो यार लाइक ज़रूर कर देना, और अगर मेरे को वो मार दे तो मैं पहले बता रहा हूँ कमेंट करके बताना ज़रूर। और बंदा मेरे को दिखा, मैंने उसको डैमेज देने की कोशिश की बट उसके अंदर हम नाकाम हो गए। और अब चलते हैं कहीं और, मतलब इधर कंटेनर मतलब ये जो बॉक्स पड़े हैं ना इसके पीछे अपने थोड़ा बहुत कवर देते हैं क्योंकि बंदा यहाँ पे भाई सब आएगा, देखो आ रहा है, डैमेज दिया मैंने इसे 63 का, तो भाई सब 72 का डैमेज, यानी कि इसके पास अब बिल्कुल भी भाई सब नहीं है, भाई सब अपने आपको हीलिंग कर रहे हैं, उसके हाथ दिख रहे हैं, वैसे 160 का मारा इसको मैंने बॉडी शॉट और बंदा ख़त्म, मतलब इसके थोड़े से हाथ दिख रहे थे क्योंकि ये अपने आप को हीलिंग कर रहा था, और वैसे इसको अपनों ने मार दिया और इसके पास वैसे अच्छी खासी लूट थी, मैक्स 7 और वो कौन सी गन है भाई साहब M40 आएगा जो भी है भाई साहब अब आपको देखी गई होगी। तो अपने क्या करते हैं ड्रैगन उठाते हैं और मैक्स 7 और यहाँ से निकल लेते हैं फैक्ट्री को खाली करके, अपने आ जाते हैं क्लॉक टावर की ओर। और भाई साहब यहाँ पे मेरे को बंदा दिख चुका है, उसने मेरे को डैमेज भी किया, तो कन्फर्म है भाई साहब इसके पास VSS है, तो इससे थोड़ा बहुत बच के रहना होगा क्योंकि एक एक एमओ भाई साहब अपने लगेगी, तो भाई साहब अपने क्लोज आ रहा है, तो अपने क्या करते हैं बहुत इजी इसको ना ख़त्म करते हैं। देखो अब मैं कैसे ख़त्म करूँगा, भाई साहब अपने क्लोज आया, मतलब आने का बनता ही नहीं था यार, मतलब तुम क्यों आए, तुमने अपनी मौत को खुद बुलावा दिया अपने मेरे पास आके। वैसे मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ क्योंकि यार इसको हेडशॉट लग गया, नहीं तो मैं ही मरने वाला था, आपको पता है क्लॉक टावर पे तो मेरे को कोई दिखता नहीं है, तो उसके बाद मैं सीधा चला आता हूँ पीक पे, तो भाई साहब मेरे को ड्रॉप दिखा, तो इसमें देखते हैं क्या कुछ है, तो इसके अंदर मेरे काम की कोई भी चीज़ नहीं है, तो यहाँ से निकल लेते हैं। और भाई साहब सामने की ओर बंदा दिखा, भाई साहब इसको क्या ही हेड लगा भाई साहब, लाइक करो अब तो लाइक करो यार, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन भी ऑल पे सेलेक्ट कर लो क्योंकि आपको हर वीडियो सबसे पहले भाई साहब मिलेगी, ठीक है तो कर लेना। और भाई साहब यहाँ पे अपने देखते हैं कोई बंदा अपने को मिलेगा या फिर नहीं, और अभी भी 18 बंदे अलाइव है मेरे को मिला के, और मैं सीधा चलाता हूँ इस सीमेंटेड घर की ओर, मेरे को लगा कि पोचिनो से सीधा बंदे
इसी घर में आके रुकेंगे जीप लाइन से। वैसे ऊपर से मेरे को साउंड आई है बंदे की गन स्विच करने की और लैंडमाइन लगाने की, तो अपने भी ऊपर कुछ करते हैं ग्रेनेड। वैसे अब एक ही ग्रेनेड था तो मैंने वो कर दिया और अब फ्लैश करके देखते हैं भाई साहब इससे कुछ होगा या फिर नहीं। ये भाई साहब ये तो मेरे पे ही हो गया और इसको मारना होगा क्योंकि ये भाई साहब ऊपर कैंपिंग करके बैठा हुआ है और इसको मारेंगे तभी पोचिनोक से सीधा बंदे यहाँ पे आएंगे ना, वो अपने हाथ में लगेंगे। तो अपने स्मोक भाई साहब लास्ट है, ये भी डाल देते हैं भाई साहब, इससे देखते हैं कुछ होगा तो नहीं वैसे, और स्मोक हो जाएगा कि बंदे को अपने अंधा कर देंगे। और अब भाई साहब अपने चलते हैं अंदर की ओर और अपने पीछे से जाके उसको मार देंगे। देखो अब इसको मारने का प्रबंध करते हैं और बंदे को मेरे को लग रहा पता चल गया होगा कि मैं एल शेप के अंदर आ चुका हूँ और बंदा वैसे बैठा क्या है वहाँ पे, मेरे को लगा भाई साहब नहीं भाई साहब ये मेरे को लग रहा है चेयर है। और अपने देखते हैं भाई साहब बंदा अपने को मारेगा या फिर नहीं, क्योंकि भाई साहब विंडो से वो भी देखेगा ना अपने को। तो भाई साहब यहाँ पे तो मेरे को कोई बंदा नहीं दिखा, मैंने इस एंगल से भी आके देख लिया और मेरे को लग रहा है वो जा चुका है घर के अंदर। वैसे मैं गलती से जंप कर गया, अंदर चलते हैं कभी ऐसा ना हो अपने को कोई मार दे। वैसा बंदा कहाँ से है, इसके पैरों पे लगी, ये बुकिंग बन चुका है भाई साहब। इसके पास भी मैक्स है तो इससे थोड़ा बहुत बच के रहना होगा। मारते रुको, डैमेज दिया मैंने और ये भाई साहब खत्म, गुड बाय टाटा, इसको तो टाटा बाय बाय कर दिया। और गाइज इस वीडियो का अपने यहीं पे एंड करते हैं, तो लाइक कर देना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है।